हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह पाक का करम इसकी हिकमत को कम नहीं करता और इसीलिए सब दुआएं मंजूर भी नहीं होती। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दुआ में इखलास का होना जरूरी है, इससे दुआ कबूल होती है। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सखावत अंबिया इकराम का खल्क और दुआ औलिया इकराम का हथियार है। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दुआ की कबूलियत में ताखीर से ना उम्मीद ना होना, क्योंकि जिस कदर देर होगी इसी कदर तुझे बड़ा इनाम मिलेगा। और दुआ की कबूलियत में ताखीर इसलिए होती है कि अल्लाह ताला तुझे बड़ा अजर अता फरमाएगा, और अब तो जान ले कि तुझे बड़ा इनाम चाहिए या नहीं। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन लोगों के लिए कामयाबी है जो लोगों के लिए दुनिया से बेरुबत और आखिरत के तलबगार हैं। इन लोगों ने जमीन को बिस्तर और इसकी मट्टी को फर्श, इसके पानी को खुशबू समझ रखा है, और कुरान पाक को अंदरूनी जामाए और दुआ को बेरूनी कपड़ा बनाया हुआ है, और दुनिया की जिंदगी को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के तौर पर पूरा किया है। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, साइल के लिए दुआ करना गोया एक तरह का सदका है। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम्हें अल्लाह पाक से कोई हाजत पेश आए तो सबसे पहले हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजो, फिर अपनी हाजत के लिए दुआ करो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम अल्लाह से कोई दो चीजें मांगो और अल्लाह एक अता कर दे और एक रद्द कर दे।